हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल मैथ्स गुरुजी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम जो आज 17 सितंबर 2018 को हुआ है, उसकी फर्स्ट शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमें मिले वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ जितने क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर पाते वो सभी हम क्वेश्चन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं, ताकि जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आप तक हम ला सके। तो जितने क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अलावा बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं जो आज मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चंस देखे गए। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड हमें मिला वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान का क्वेश्चन पूछा गया था कि जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए। तो आपको बता दें ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये लिया गया है सितंबर 2017 के करंट अफेयर से, क्योंकि सितंबर 13 और 14 सितंबर को जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे, उन्होंने इंडिया में विजिट किया था ऑन द इनविटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी के इनविटेशन पे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर आए थे, ऑफिशियल विजिट की थी जिन्होंने इंडिया में, वो की थी सितंबर 2017 में। तो यहां पर केवल इतना पूछा गया कि उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा शिंजो आबे। और साथ ही साथ गए जो इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आया है मॉर्निंग शिफ्ट का, वो अगर ये वीडियो देखते हैं तो जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह जाते हैं वो हमें कमेंट के थ्रू आप जरूर बताइए। इसी वीडियो पर आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस नहीं कर पाते, और वो आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर थर्ड करंट अफेयर का ये जो क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज 2017 इन लिटरेचर, 2017 में नोबेल प्राइज जो दिया गया लिटरेचर फील्ड में किसे दिया गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा काजुओ इशिगुरो। तो जितने भी नोबेल प्राइज जितने भी फील्ड में दिए जाते हैं उससे रिलेटेड नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे जाने की उम्मीद बिल्कुल है, तो वो आप अच्छे से कवर करके चाहिए जिन स्टूडेंट का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखा गया, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये करंट अफेयर जो पूछा गया था ये है मार्च 2018 का करंट अफेयर। तो ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था मार्च 2018 में, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, वो लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो देखा गया, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन देखा गया। तो पूरे जो ज्योग्राफी हम कह सकते हैं उससे जो क्वेश्चन है, तो लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो आंसर होगा वो होगा जंजीबार। अगर ये चार ऑप्शन आपको दे रखे थे तो राइट आंसर होगा जंजीबार, विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, करंट अफेयर सीईओ ऑफ एप्पल, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, फेसबुक होगी, एप्पल हो गए, जितने भी अच्छी कंपनी है, गूगल हो गए, इन सभी के आप सीईओ अच्छे से याद करके जाइए जो जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था एप्पल के सीईओ का नाम पूछा गया था, जिसका राइट आंसर होगा टिम कुक। नेक्स्ट अगर हम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें, क्योंकि जो मेजर सेक्शन है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में वो साइंस और करंट जनरल अवेयरनेस से ही रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चंस है, क्योंकि दो पार्ट जनरल अवेयरनेस और साइंस, दो पार्ट तो केवल इन्हीं के ही है, तो साइंस से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो आप देख कर जाइए, क्योंकि हर एक शिफ्ट में हम कह सकते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन जरूर देखा जाएगा। तो हाइड्रोमीटर की बात की जा रही है, हाइड्रोमीटर जिसे हम एरोमीटर भी बोलते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है क्या मेजर करने के लिए, रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप अच्छे से कवर करके जाइए, और इसकी वीडियो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की भी हम जल्दी ही आप तक पहुंचा देंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, पीएच वैल्यू ऑफ एनएसीएल पूछी गई थी साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जो कि होगी 7। हैवी प्लैनेट पूछा गया था, जो भारी ग्रह है सबसे ज्यादा भारी ग्रह कौन सा है, इसका जो राइट आंसर होगा जुपिटर, विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट एक जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड मैन बुकर प्राइज 2018 का पूछा गया था। देखिए बुकर प्राइज और मैन बुकर प्राइज दोनों अलग है, तो मैन बुकर प्राइज पूछा गया था 2018, जिसका आंसर होगा ओल्गा टोकरचुक। तो ओल्गा विल बी द राइट आंसर ऑफ मैन बुकर प्राइज 2018। तो जितने भी प्राइज से रिलेटेड
करंट अफेयर से रिलेटेड है वो आप जरूर कवर करके जाइए। एक क्वेश्चन साइंस में पूछा गया था, गैस भोपाल ट्रेजेडी जो हुई थी, भोपाल ट्रेजेडी जो हुई थी उसमें जो गैस यूज हुई थी, वो गैस का जो रिसाव हुआ था वो कौन सी गैस थी, वो आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। एक क्वेश्चन, भारतीय रेल स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे साफ स्टेशन कौन सा है, तो भारत में जो रेलवे रेल स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था उसमें ब्यास जो रेलवे स्टेशन है उसको सबसे साफ घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रेशर यानी कि दाब की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट पूछी गई होगी, तो दाब की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है पास्कल। और एक जो क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड जो पूछा गया था, एग्जैक्ट हमारे पास नहीं आया, एक V की वैल्यू दे रखी है, एक C की वैल्यू दे रखी है, I की पूछी गई है, या यहाँ पर होगा R। एक जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू I इंटू R, जस्ट आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी होगी। यहाँ पर आई थिंक C की जगह R गिवन होगा, V गिवन है, R गिवन है, I की वैल्यू आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 15, एक पूछा गया इंडिया स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इंडिया की जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनका नाम पूछा गया था, तो जिसका राइट आंसर होगा राज्यवर्धन सिंह राठौर। एक पूछा गया जितने भी गवर्नर है वो आप अच्छे से कवर करके जाइए, क्योंकि गवर्नर का क्वेश्चन आपको नेक्स्ट शिफ्टों में जरूर मिलेगा। गवर्नर ऑफ बिहार पूछा गया था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लालजी टंडन, क्योंकि अभी काफी गवर्नर चेंज हुए हैं, तो गवर्नर ऑफ बिहार इसका आंसर होगा लालजी टंडन। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि गवर्नर ऑफ हरियाणा का जो आंसर होगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चंपारण आंदोलन जो हुआ था वो कौन से स्टेट में हुआ था, तो इसका जो आंसर होगा वो हुआ था बिहार में, तो आंसर विल बी बिहार। नेक्स्ट, सल्फर का परमाणु क्रमांक, जितने भी हम कह सकते हैं ये हमारे पास सल्फर से रिलेटेड एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर, ये आप अच्छे से कवर करके जाइए। तो सल्फर का पूछा गया था, यहां पर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दो होते हैं, एटॉमिक नंबर पूछा गया था यानी कि परमाणु क्रमांक पूछा गया था, तो सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 16। तो जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले वो सभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए, और जितने भी बचे हुए क्वेश्चन जैसे जैसे हमारे पास आते हैं वो सभी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, और जितने भी स्टूडेंट इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं वो हमें कमेंट के थ्रू वो क्वेश्चंस भी हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि जितने स्टूडेंट्स का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उन्हें वहां से मदद मिल सके। मैथ रीजनिंग सेक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आप तक पहुंचाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं उसकी वीडियोज बनाकर रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड आप तक हम जितना भी मैटर हमें अवेलेबल होता है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मैथ्स गुरु जी को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।